मैं दूसरे स्कंक से इतनी अलग क्यों हूँ? मैं दूसरे स्कंक्स की तरह स्मेल करना चाहती हूँ। अरे देखो यहाँ कौन है, क्या ये फैनी है जो एक असली स्कंक के बजाय फूलों की तरह स्मेल करती है? तुम्हें अभी भी इस शहर में रहने की हिम्मत है? हमने तुम्हें कहा था कि हम तुम्हें नहीं देखना चाहते। स्कंक टाउन मेरा भी शहर है, मैं और कहाँ जाती? हमारे शहर में वापस मत आना। तुम लोग बहुत बुरे हो। मैं सबकी तरह स्मेल क्यों नहीं करती? फैमी। कौन हो तुम? तुम्हारे अकेले होने और तड़पने की वजह तुम्हारी कमजोरी। अगर तुम मजबूत बनोगे तो कोई तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। अगर मैं मजबूत बन जाऊं तो मैं अकेली नहीं रह जाऊंगी? बिल्कुल, उनको तुम्हारी बात सुननी पड़ेगी, ये तुम्हें मजबूत बनाएगा। लेकिन मैं बस मैं कितनी खूबसूरत हूँ है ना? हाँ। अगर मैं अपनी स्कूल प्रेजेंटेशन में ये पहनूं, सारे लड़कों की नजरें मुझ पर ही होंगी। ये तुमने क्या पहने लाए? तो तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं क्या कर रहे लाऊं? अपन फैशन का भगवान विकी। अगर तुम चाहो तो अपन तुम्हारे स्टाइल को बदलकर फ्रांस का सबसे मशहूर ट्रेंडी लुक बना सकता है। वाकई? क्या तुम मुझे और सुंदर बना सकते हो? क्या तुम्हें पक्का यकीन है? चुप करो। ठीक है विकी, चलो शुरू करें। ठीक है तो अपन लोग शुरू करें फिर। हेलो एवरीवन, मैं वापस आ गई। फैनी तुम? यस। ये क्या है? राक्षस। कौन हूँ मैं? आप हमारी इकलौती मास्टर हैं। लॉन्ग लिव फैनी, लॉन्ग लिव फैनी। मास्टर डैनी, जैसा आपने कहा था मैंने टास्क पूरा कर दिया है। बहुत बढ़िया काम। अब मिनी फोर्स से पीछा छुड़ाने का वक्त आ गया है। तुम सच में कमाल हो। ये क्या स्मेल है? क्या? नहीं, ये मैंने नहीं किया मास्टर। क्या? फिर कौन है ये? एक फ्रेंच स्टाइल ड्रेस है और क्या? विकी, क्या कहा तुमने अभी? विकी, लगता है इस बार तुम गलत हो। अजीब है, तुम लोगों को फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं है। ठीक है तो आप उन्हें ठीक कर देता है। होगा तुम आगे के लिए संभल जाओ। बुलावा आया है, तुरंत जाना होगा। इस वक्त पूरा जंगल स्कंक्स की खतरनाक स्मेल से घिरा हुआ है। स्कंक्स फैनी की वजह से इस तरह से पेश आ रहे हैं। ये कोई मामूली स्कंक नहीं लग रही। फैनी मूल रूप से एक खुशबूदार स्कंक थी।
इस वजह से दूसरों ने उसे बाहर कर दिया और इसलिए डैनी उसे अपनी तरफ करने में कामयाब रहा। फिक्र नहीं करने का कमांडर, उन लोग फैनी को दोबारा पहले की तरह बना देंगे। तो तुरंत जाओ और फैनी और बाकी स्कंक्स को रोककर जंगल को बचाओ। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करने के बाद भी इतनी गंदी बदबू आ रही है। फैनी, मैं मास्टर डैनी की कमांड के मुताबिक तुम लोगों से छुटकारा पाने आई हूँ। डैनी के रिझाओ तरीकों के आगे मत झुको यार। सही कहा, तुम तो एक अच्छे दिल वाली स्कंक हुआ करती थी। भलाई किसी काम नहीं आती। अब मेरी ताकत की वजह से मैं अकेली और तड़पती नहीं हूँ। इस तरह की ताकत तुम्हारी कोई परेशानी हल नहीं करेगी। तुम अब पहले से ज्यादा अकेली हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? नहीं, अब मैं अकेली नहीं हूँ। तैयार, तैयार। ये तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। भगवान को याद कर लो। अब उन लोग इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारेंगे। भिड़ लोग, फोर्स सोर्ड तैयार। तैयार। मैं तुम्हें फिर से सम्मोहित कर लूंगी। उस गैस के बादल को एक बार में खत्म करना पड़ेगा। ठीक है। वैक्यूमैक्स स्लैश। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। फैनी, मैं तुम्हें अंधेरों की शक्ति देता हूँ। ये फैनी बहुत बड़ी हो रही है, फोर्स कास्ट बुलाने का वक्त आ गया है। फोर्स कास्ट तैयार। तैयार। ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। सही मौका है, हमला करो। ये क्या हुआ? ये वो गैस है। वो गैस हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनरी को खराब कर रही है। ऑटो पायलट खराब हो गया है। हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। शांत रहो। भिड़ लोग, अपने ऑटो पायलट बंद करके मैनुअल पर आ जाओ। इसके अलावा और कोई चारा है भी नहीं। ठीक है, कोशिश करते हैं। ठीक है, मैनुअल मोड शुरू। अब उन लोग को मैनुअल मोड में ही फोर स्लैश को शूट करना पड़ेगा। भिड़ लोग, अपनी पूरी ताकत लगा दो। ठीक है।
दोस्तों माफ करना, मैं तुम्हें बुली नहीं करना चाहती थी। माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बुरा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मैकमोन की ताकत पहले से जरूर कुछ और होगी। सही कहा उस्ताद नील, इस मैकमोन के हथियार बहुत खास हैं। इस बार हम मिनी फोर्स का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे। ये जगह इतनी गंदी कब हो गई? मुझे भी साफ करने का मन नहीं है। मुझे पता है इन लोगों से कहां कहीं भाग जाएंगे। तो मैं क्या करूं? ठीक है, अगर मैंने इनमें से कोई सुपरवाइजर रखा तो ये इसके लिए लड़ने लग जाएंगे। दोस्तों चलो सफाई करें। सबसे पहले क्यों ना एक सुपरवाइजर चुने। जब कोई सफाई करना ही नहीं चाहेगा तो उसका क्या मतलब? रुको, सुपरवाइजर को तो सफाई करना ही नहीं होता है। क्यों, उसे तो सिर्फ सुपरवाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ये तो फंस गया। ठीक है, ये अपुन करेगा। सुपरवाइजर बनूंगा, अपुन को ये करना है। अगर विकी राजी है तो मुझको कोई दिक्कत नहीं। अगर विकी सुपरवाइजर बन गया, नहीं फिर तो आफत आ जाएगी। ठीक है, फिर विकी होगा सुपरवाइजर। रुको, मैं बनना चाहता हूँ सुपरवाइजर। क्या मतलब सैम, अपुन ने पहले कहा था, है ना सुजैन? ठीक है, फिर वोट से फैसला करते हैं। बताता है अपुन क्या कर सकता है। कैसा लगा? अपुन की सफाई का तरीका अच्छा है ना? अपुन को एक सुपरवाइजर होना चाहिए। वाओ। क्या तुम यही कर सकते हो? ये लो। वाओ, ये बहुत शानदार था। ये मूंगफली अपुन को सबसे ज्यादा पसंद है। ये लो, अपुन चाहता है तुम इसे रखो। ये तुम्हारे पसंदीदा फूल हैं। क्या तुम ये मुझे वाकई में दे रहे हो? लीना, अपुन को लगता है कि तुम सफाई के लिए अपुन को ही चुनोगी, सही है ना? अब अपुन पक्का से सुपरवाइजर चुन लिया जाएगा। क्या इतने गलत तरीके से तुम सुपरवाइजर बनकर खुश रह पाओगे? क्या मतलब, कौन सा गलत तरीका? तुम्हें टेंशन है कि तुम सुपरवाइजर की रेस में अपुन से हार जाएगा? सुपरवाइजर का चुनाव सही तरीके से होना चाहिए। तुम्हें डर है कि कहीं तुम अपुन से हार ना जाओ सैम? मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा, फिर भी नहीं मान रहे। झगड़ना बंद करो दोस्तों, बस भी करो। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। सैम तुम भी चुप रहो। ठीक है, शांत होकर इस बारे में बात करते हैं। तुम्हें खुद पर गर्व हो रहा है? तुम्हें लगता है कि तुम अपुन लोग से बढ़िया हो? तुम तो अपुन लोग के टीम के हो ही नहीं। विकी, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम तो सुपरवाइजर बनने के लायक ही नहीं हो। ये सही है, आज तुमने मेरा दिल दुखा दिया। चलो अब इस बात को भूल जाओ। हाँ, कॉल है। गिलहरियों पर एक मैकमोन ने हमला कर दिया है। कमांडर, हमें किस तरह के मैकमोन से लड़ना होगा? इस मैकमोन के पास शक्तिशाली खींचने की क्षमता है, वैक्यूम क्लीनर की तरह। इसे तो सफाई करने अपुन के घर आना चाहिए।
इस मैकेमोन के खींचने की ताकत इतनी शक्तिशाली है कि फोर्स पोर्ट फीस का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम्हें मैकेमोन से दूरी बनानी होगी। अपन बाकियों की तरह इससे भी निपट लेंगे, है ना भिड़ू लोग। अति आत्मविश्वासी मत बनो, इस मैकेमोन के पास फोर्स पोर्ट को नुकसान पहुँचाने के लिए कई हथियार भी हो सकते हैं। उसका सामना करते वक्त तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना होगा। चलो अब सब तैयार हो जाओ। सर, यस सर। मिनी फोर्स तैयार हो। तैयार। हम फिर मिल गए मिनी फोर्स के कीड़ों। तुमको शैतानी हरकतें करना बंद ही करना पड़ेगा भिड़ू, क्यों ना तुम बदलने की कोशिश करो। तुम मूर्ख हो हमेशा की तरह, वहाँ जाओ फौरन और उनको खत्म करके आओ। अब ये तुम्हारा अंत है बच्चों, नो आयरन बॉल संभालो। एक आयरन बॉल पड़ गया ना तो तुम यहाँ से चलते बनोगे। मैं इन सबसे पक चुका हूँ, हमला करो। फोर्स वेपन तैयार। भिड़ो अब हम चलो। बिना योजना के नहीं जा सकते, ये खतरनाक है। भिड़ो फोर्स गन तैयार हो। हम इन जीरो पॉइंट से डरने वाले नहीं। पोस्ट अप तैयार। सैम ध्यान से। विकी तुम ठीक हो? विकी क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है, इसे अपन देख लेगा। मुझे लगता है मैं विकी के लिए गलत थी, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ करना विकी, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। शुक्रिया दोस्तों। सैम अपन को माफ करना, तुम्हें बहुत कुछ बोलकर ठेस पहुंचाई। तुम जानते हो अपन ऐसा नहीं सोचता है ना। बिल्कुल अपन को फर्क नहीं पड़ता कि हम में कितनी गलत फहमियां रही हैं। तुम सब अपन के खास दोस्त हो, अपनी शक्तियों को एकजुट करके लड़ते हैं। ठीक है। अब तुम चाहते हो तो मैं बुला लेता हूँ मेरा नया मैकेमोन। बाहर आ जाओ मैकेमोन। ये मैकेमोन इसी तरफ आ रहा है। फोर्स कास बुलाने का वक्त आ गया है। फोर्स कास तैयार हो। तैयार। करने का सौभाग्य मैं लेता हूं। फोर्स डिस्क हमला। वैक्यूम एक सेकंड में 100 मीटर तक खींचने के काम में आता है। अब
अलावा मैकामॉन के खींचने की क्षमता तो कमाल की है। हमारे इंजन अगर पूरी क्षमता से काम करे तो भी इसे संभाल नहीं पाएंगे। मुख्य इंजन खराब हो गया है और बिजली बढ़ती जा रही है। टेंशन नहीं लेने का बेटे लोग, इससे आराम से निपटने का। तेरे तो वाट लग गई मैं, कम ऑन, फोर्स लेजर आक्रमा। ये ले। हिडन लॉक, अपने बैकअप इंजन चालू रखो। बैकअप इंजन तैयार। चलो अब फोर्स फ्लैश के एक ही झटके से इसे खत्म कर देते हैं। ठीक है। फोर्स फ्लैश इग्निशन। इग्निशन। या।